गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सभी लोग। आज के इस छोटे से सेशन में हम एक चीज़ और डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर डिसइंफेक्टेंट को लेकर के, क्योंकि हमने डिसइंफेक्टेंट पे कुछ कमेंट किया था अभी दो दिन पहले कि काफ़ी जगहों पर इन चीज़ों को लेकर के कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स के स्टेरिलाइजेशन या डिसइंफेक्शन को लेकर के। तो चलिए देखते हैं हम कि शार्प इंस्ट्रूमेंट्स का डिसइंफेक्शन या स्टेरिलाइजेशन हम प्रॉपरली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी टर्म्स लिखे हुए आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। इसको हाई लेवल डिसइंफेक्शन बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं शार्प इंस्ट्रूमेंट्स का हाई लेवल डिसइंफेक्शन कैसे करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है साइडेक्स ट्रे, और ये जो सॉल्यूशन आपको नज़र आ रहा है ग्रीनिश, ज़रूरी नहीं है कि कहीं पर ये येलोइश भी हो सकता है, तो आप इसके साथ में थोड़ा कन्फ्यूज मत होना सॉल्यूशन को लेकर के कि सर ये ग्रीनिश क्यों है, हमारे यहाँ पर ये येलोइश नज़र आता है। इस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम साइडेक्स सॉल्यूशन। एक्चुअल में साइडेक्स जो है वो ब्रांड नेम है, और ब्रांड का मतलब किसी कंपनी का ट्रेड नेम है और सॉल्यूशन के लिए। तो इसमें कोई ना कोई केमिकल है, और उस केमिकल का प्रॉपर नाम क्या है, वो है ग्लूटराल्डिहाइड। मतलब एल्डिहाइड्स होते हैं जो कि डिसइंफेक्शन में, हाई लेवल डिसइंफेक्शन में काम में आते हैं, HLD। अब उस एल्डिहाइड का नाम हमने क्या बताया, ग्लूटराल्डिहाइड। ऑब्वियस सी बात है, कोई केमिकल है तो उसकी कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन की, तो वो भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है 2%। अब उसकी रेंज भी हो सकती है 2 से 2.5%, लेकिन आप 2% दिमाग में रखिएगा, ग्लूटराल्डिहाइड सॉल्यूशन 2%। अब बच्चों का एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर ये कितने दिन के अंदर चेंज कर दिया जाना चाहिए। फैसिलिटी प्रोटोकॉल पे डिपेंड करता है, आप जहाँ पर काम कर रहे हैं, यूजेज पर डिपेंड करता है कि लाइट यूजेज हैं या हेवी यूजेज हैं। लेकिन एग्जामिनर आपको ये तो पूछेगा नहीं कि भी लाइट यूजेज में और हेवी यूजेज में कितना होता है। स्टैंडर्ड इसको चेंज करने का जो टाइम है वो है 14 दिन, 2 हफ्ते, 2 वीक्स। 15 दिन लिखा हुआ जाए तो भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, तो 2 वीक्स में इसको चेंज कर दिया जाता है। अब ऐसे केमिकल सॉल्यूशन जो हैं एक्चुअल में जो हैं इनएक्टिवेटेड फॉर्म में आते हैं, जब आते हैं तो स्टॉक सॉल्यूशन जो इनका होता है वो इनएक्टिवेटेड होता है, और जब प्रिपेयर करना होता है यूज के लिए तो हम इन्हें एक एक्टिवेटर इसमें मिक्स करके इनको एक्टिवेट करते हैं। देखिएगा मेरे हाथ में एक सॉल्यूशन है, एक्टिवेटर सॉल्यूशन फॉर ग्लूटराल्डिहाइड सॉल्यूशन। ग्लूटराल्डिहाइड यानी इस साइडेक्स को एक्टिवेट करने के लिए इस सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। इट मीन्स अगेन ये कोई ना कोई केमिकल है, और रीड कीजिएगा क्या केमिकल है, पोटेशियम नाइट्राइट 1.9% वेट पर वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है। और ये एक तरीके का कोरोजन इनिबिटर का भी काम करता है। कोरोजन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को गला देना, ठीक है ना, किसी चीज़ को गला देना, कोरोड करना, मतलब धीरे धीरे छितर जाती है ना कोई चीज़, धीरे धीरे गल जाती है जैसे। तो आप ध्यान में रखिएगा कि साइडेक्स या ग्लूटराल्डिहाइड सॉल्यूशन को एक्टिवेट करने के लिए जो एक्टिवेटर होता है वो क्या होता है, पोटेशियम नाइट्राइट होता है, और सेम उसी कंसंट्रेशन में आएगा। ये क्या सॉल्यूशन ही होता है क्या, काफ़ी जगहों पर पाउडर देखा होगा आपने, या फिर ये सॉल्यूशन आता है। अब हमने तो यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि भाई इसको 14 दिन में चेंज करना है, लेकिन मान लीजिए आप हैवी यूज कर रहे हैं इसको। हैवी यूज का मतलब इंस्ट्रूमेंट्स इसमें से निकालते हैं हर 2-3 घंटे के अंदर, नए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर डालते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि साइड एक्सट्रे में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं फिलहाल रखे हुए हैं। डिस्कस करेंगे किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट रखे हुए जाते हैं। तो क्या इसको चेक भी किया जाता है कि यस, इसका pH लेवल जो है वो चेक किया जाता है, और मैं ये जो स्ट्रिप मैंने डाली है ये इसका pH लेवल जो है हम चेक करते हैं। डिप की हमने और यहाँ पर हमने रखी हुई है, और देखिए ये जो इसका इंडिकेटर है ये हम इसके साथ में इसको हम मैच करेंगे, और ये लगभग 7-7.5 के बीच में आपको नज़र आ रहा है, 7.5 भी नहीं है, 7 के करीब में आपको ये देख सकते हैं कि 7 के करीब में इसका जो कलर है वो आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब pH का भी इसका लेवल होता है कि किस pH के बीच में ये ठीक होती है। तो हम आपको बता दें कि साइडेक्स का जो pH का लेवल जो होता है वो 7 से 9 के बीच में होना चाहिए, लेकिन 7.5 से जैसे ही ऊपर जाने लगता है आपके लिए अलर्ट साइन है कि साइडेक्स जो है आपका ख़राब हो रहा है। आपसे एग्जामिनर डायरेक्टली ना पूछ करके ऐसे भी पूछ सकता है, कई बार एग्जाम में चीज़ें दिमाग में नहीं रहती, फिर एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि साइडेक्स सॉल्यूशन जो है वो नेचर में कैसा होता है। साइडेक्स सॉल्यूशन जो है वो नेचर में कैसा होता है, अल्कलाइन होता है, चूँकि इसकी pH जो है वो
किससे ज़्यादा है, सेवन से ज़्यादा है, इसलिए ये नेचर में क्या होगा, अल्कलाइन कहा जाएगा इसको। अब दूसरी चीज़ और नोट कीजिए आप, ये साइडेक्स सॉल्यूशन क्या ऐसा ही बना हुआ आता है क्या? जी नहीं, साइडेक्स सॉल्यूशन होता है ग्लूटेराल्डिहाइड, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है एक एक्टिवेटर आता है जो कि पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है और सॉल्यूशन फॉर्म में भी हो सकता है। और वो उस एक्टिवेटर का नाम आपसे कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी दिमाग में रखिएगा। अब देखते हैं कि ये स्टेरिलाइजेशन या हाई लेवल डिसइंफेक्शन का काम कैसे करता है। हम अपनी डेफिनेशन में इसको स्टराइल नहीं बोलेंगे, ये होता है हाई लेवल डिसइंफेक्शन। हाई लेवल डिसइंफेक्शन के लिए इसमें इंस्ट्रूमेंट्स या किसी भी डिवाइस को कितनी देर के लिए आपको इमर्ज रखना पड़ेगा, इमर्ज रखना पड़ता है, वो होता है ओवरनाइट। अब ओवरनाइट क्या हुआ जी, रात को सुबह छोले चने बनाने हैं तो ओवरनाइट आप भिगो के रख दीजिए, ऐसा ही बोला जाता है। तो उस ओवरनाइट का मतलब होता है 7 से 8 घंटे, मोर देन 8 आवर्स, वो होता है ओवरनाइट। और हाई लेवल डिसइंफेक्शन के लिए इसको 7 से 8 घंटे से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट जो है इसके अंदर डिप्ट रहने चाहिए। लेकिन इसके अंदर हम कुछ हैंड इंस्ट्रूमेंट्स जिनको क्या बोलते हैं लेप्रोस्कोपी में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं वो भी रखते हैं, तो क्या उन्हें 7 से 8 घंटे तक रखना चाहिए क्या? जी नहीं, उनकी 30 मिनट से ज़्यादा उनको डिप रखोगे तो उनमें जो कैमरा होता है उसकी क्लाउडिंग हो जाएगी, ख़राब हो जाएगा। इसलिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को, लेप्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट्स को इसके अंदर केवल और केवल 30 मिनट के लिए रखा जाता है, वो केवल डिसइंफेक्शन होता है। अब हाई लेवल डिसइंफेक्शन के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर रखे जाते हैं? आप देखिए, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स यानी सीजर्स जो हैं वो हमेशा साइडेक्स के अंदर ही होती हैं, सीजर्स। अब क्यों इसके अंदर होती है, हम क्यों उनको ऑटोक्लेव नहीं करा लेते? वो इसलिए नहीं कराते क्योंकि शार्प इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो ब्लंट हो जाएंगे ऑटोक्लेविंग से। हमेशा दिमाग में रखिएगा, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स ऑटोक्लेविंग से क्या हो जाएंगे, ब्लंट हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ ट्यूबिंग्स जो हैं वो भी इसके अंदर रखी जा सकती हैं, उनको ऑटोक्लेव क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि इतने हाई डिग्री टेम्परेचर पर वो भी क्या पिघल जाएंगी, इसलिए उनको भी हाई लेवल डिसइंफेक्ट ही करते हैं साइडेक्स सॉल्यूशन के अंदर डिप रख करके। अब आप चीज़ें आई होप समझ पा रहे हैं कि हमें हाई लेवल डिसइंफेक्शन के लिए एक्चुअल में क्या किया जाता है। हाई लेवल डिसइंफेक्शन के लिए एक्चुअल में इंस्ट्रूमेंट्स को, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को ओवरनाइट 7 से 8 घंटे से ज़्यादा उसमें डिप रखा जाता है। साइडेक्स सॉल्यूशन में ग्लूटेराल्डिहाइड 2% होता है, उसकी पीएच जो है वो 7 से 9 के बीच में मेंटेन रहनी चाहिए। 14 दिन के अंदर जो है उसको चेंज कर सकते हैं। पीएच को चेक करने के लिए हम एक स्ट्रिप आती है, लिटमस स्ट्रिप आती है, उससे हम उसकी पीएच को हम देख सकते हैं। 7 से 9 के अंदर मेंटेन रहनी चाहिए अंदर अंदर में। और पीएच जो है वो अल्कलाइन है, इंस्ट्रूमेंट जो है वो शार्प रखते हैं, ट्यूबिंग्स भी इसके अंदर रखते हैं। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिन्हें आप क्या नहीं कर सकते, ऑटोक्लेव नहीं करा सकते, ऑटोक्लेविंग पे हम सेपरेट लेक्चर लेंगे, ऑटोक्लेव नहीं करा सकते, उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम इसके अंदर डिप रखते हैं। आप इस साइड एक्सट्रे में देख सकते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सारे के सारे स्कोप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और इनके डिसइंफेक्शन के लिए हम साइडेक्स का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन इन इंस्ट्रूमेंट्स को हम 30 मिनट से ज़्यादा के लिए नहीं रखते, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं फिर कोरोड होने लगते हैं। आप बोलोगे कि साहब कोरोजन इनिबिटर जो है हमने ऑलरेडी उसके अंदर डाला हुआ है, लेकिन बहुत डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्कोप को ख़राब करते हैं, कैमरे को ख़राब करते हैं।